जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे, आप सब लोग हर वापस होंगे, हर कोई अपनी अपनी लाइफ मजे से एंजॉय कर रहा होगा। तो भाई करता है अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका वेलकम। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू हरिस पार्टनर व्लॉग। सब कुछ बदल गया यार, ओ यार सब कुछ बदल गया, पता भी नहीं चला, मिनटों सेकंडों में दुनिया बदल गई है। आप लोग हो गया भाई यार, आप लोग क्यों परेशान हो गए हो? और यार मैं कह रहा हूँ मौसम बदल गया है, पता ही नहीं चला यार, एकदम से गर्मी आ गई है। समझ नहीं आती कि सारे टाइम क्या मौसम है, सुबह उठो कुछ और मौसम होता है, अफ्तारी टाइम कोई और मौसम होता है, रात को बंदा क्या करे, कंबल लेके सोए या खेस लेके सोए या फिर पंखे लगा के सोए। खैर अब यही कहा जा सकता है कि रमजान के जो बकाया दिन और बकाया जो रातें रह गई हैं, जो बकाया रोजे रह गए हैं, अल्लाह ताला वो हमें अच्छे से निभाने की तौफीक दे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि जो बकाया हमारे रोजे रह गए वो भी ठंडे ठंडे घूमे। यार गाइस देख लो, मामा कमरे में नहीं है, आप लोग देख लो कमरे में है ही नहीं। और ये आप लोगों को भी पता है कि मामा पार्टनर किधर होंगी, हमेशा की तरह किचन में। तो अब आपका भाई चलता है किचन में और जाके मामा पार्टनर को ब्लॉग में लेके आता है। मामा जी, मामा, मामा बोलो आगे से क्या है, जैसे आप गुस्से से बोलती हो वैसे बोलो। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा आपको, ऑडियंस कह रही है कि यार आपने कल ब्लॉग नहीं डाला तो माँ जी को आप ब्लॉग में लेके नहीं, तो अब तो हमारी मुलाकात करवा दो माँ जी से। अब मैं क्या कहूँ यार, गाइस हमेशा जरा किचन में रहती हैं तो मामा पार्टनर सामने खड़े ही हैं। ठीक है, मामा पार्टनर का वेलकम करते हैं। क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ, क्या हुआ, ये क्या हो गया? मैं किचन में आ रही थी। हाँ जी, लो जी, मेरे बच्चों क्या हाल है, सब ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बच्चे भी ठीक ठाक है और मेरे बच्चों का माशाल्लाह रमजान बहुत अच्छा जा रहा है। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारा भी रमजान बहुत अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अपनी फैमिली के साथ, फैमिली का शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि फैमिली मेरे साथ अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है हमारे साथ। अल्लाह पाक जैसे ये हमें अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स दे रही है, अल्लाह पाक इनकी भी आसानियाँ पैदा करें। आमीन। अल्लाह पाक इनके लिए भी अच्छे अच्छे आगे से काम करे। अल्लाह पाक मेरे बच्चों को, मेरी बेटे, मेरे भाई, मेरे बाप, अल्लाह पाक इनकी कमाइयों में बरकत डाले, अल्लाह पाक इनके रिजक में बरकत डाले और इनका अल्लाह पाक रिजक वसी कर दे और अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे और अल्लाह पाक मेरे बच्चों के और बच्चियों के नेक नसीब। आमीन। बेटा बच्चों, मैं अपने बच्चों के लिए दुआ ही मांग सकती हूँ क्योंकि सबसे अच्छा तोहफा दुआ है। अल्लाह पाक आप सबको इतना दे कि आप लोग रख रख के भूल जाए, ये आपकी माँ की दुआ है। और आप मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए और मेरे लिए दुआ करें, हम आपके साथ हैं और मेरी फैमिली मेरे साथ है। अच्छा जी, यार आप लोग भी कह रहे होंगे कि कल भाई ने ब्लॉग क्यों नहीं डाला, ऐसी क्या रीजन हुई है? देखो यार मेरी भी पर्सनल लाइफ है, ठीक है, कोई मसले मसाइल हो जाते हैं, कोई मसरूफियात हो जाती हैं जिस वजह से मैं कल ब्लॉग नहीं डाल सका। लेकिन देखो पार्टनर किस लिए होता है यार, पार्टनर का मतलब होता है कि अगर एक पार्टनर मसरूफ है तो दूसरा पार्टनर ब्लॉग शूट कर सकता है। लेकिन कमजोरी कहाँ पे है कि मामा पार्टनर को यार मोबाइल पकड़ना ही नहीं आता, उनसे इतना ब्लॉग बनता नहीं है। तो आज हम लोगों ने ये डिसाइड किया है, मामा पार्टनर आप ही सुन लें, और गाइस मैं हमने ये डिसाइड किया है कि आज मैं मामा पार्टनर को सिखाऊंगा कि व्लॉगिंग के लिए मोबाइल किस तरह पकड़ते हैं। तो जी मामा पार्टनर मुझे अब ये बता दें कि क्या आप हमेशा की तरह यार किचन से फ्री क्यों नहीं होती हैं? मुझे गुस्सा आता है यार आपको बार बार किचन में देख के। मैंने अब यही फैसला कर लिया कि मैं तेरी शादी कर लूं। अरे बस कर दो यार, बस यार, यार मुझे ना शादी के अल्फाज से नफरत हो गई है, करनी करानी है नहीं शादी, तो बाद में बस कहती है कि शादी करवा दूं मैं तुम्हारी। नहीं मैं शादी तेरी कर दूंगी। हाँ जी, मैं तेरी शादी कर दूंगी ना, तेरी बेगम किचन का काम करेगी, दूसरा काम करेगी, मैं तेरे सामने बैठी रहूंगी। नहीं, बैठने वाला चक्कर चला गया मामा। देखो अब मैं ऑडियंस को वही बता रहा हूँ कि कल मैंने व्लॉग क्यों नहीं बनाया, क्योंकि पर्सनल लाइफ है, सो मसले मसाइल हो जाते हैं, इंसान की मसरूफियात हो जाती है। लेकिन इस सिचुएशन में इंसान काम आता है अपने पार्टनर के, तो जब पार्टनर को मोबाइल पकड़ना नहीं आता तो यार वहाँ पे फिर ज्यादती होगी ना मेरे साथ। तो फिर आपने वेले बोले नहीं बैठना, जब तक मेरी शादी नहीं होती तब तक मैं आपको सिखाऊंगा व्लॉगिंग कैसे करते हैं, ठीक है? तो आज 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 एक मिनट,
ना ना तो बस तफरुल्ला। अरे तुम्हारे मुंह में खाक तेरे मुंह च भी खाक। नहीं मामा मजाक से हटके मैं ना ये बात सीरियस कर रहा हूँ कि देखो समटाइम सौ मसले मसाइल होते हैं, समटाइम बंदा जॉब से लेट हो जाता है या फिर फ्रेंड की गैदरिंग में टाइम लग जाता है जिस पर आप व्लॉग नहीं बन सकता। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि आज मैं आपको मोबाइल पकड़ना सिखाऊंगा कि व्लॉगिंग किस तरह करते हैं, ठीक है? अच्छा वेले मुंडिया मैं अफतारी बनावा, ठीक है? अफतारी तो बाद फिर मैं अपने वेले मुंडे को व्लॉगिंग बनाना सिखांगी, कैमरा फड़ना सिखांगी। हाँ जी बिल्कुल। मैं तुझे एक बात बता दूँ, हाँ? तो अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। क्यों भाई? मुझे व्लॉगिंग कैमरा चलाना आ गया ना, हाँ? इतना पता है तेरे व्यूज कट जाने में, मैंने अपना ना चैनल खोल लेना। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि आपको भी व्यूज आने चाहिए, बल्कि अच्छा रहेगा कि यार मामा पार्टनर भी अब ब्लॉगिंग करना शुरू हो जाएंगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि ओ दिन डूबा जो तो कोरी चढ़िया कुब्बा। नहीं ये बात नहीं है, अगर हारिस जैसा उस्ताद हो ना गाइस, अगर हारिस जैसा उस्ताद हो ना तो वहाँ पे कोई भी शिगिर्द फेल नहीं होता, ये बात आपने याद रखनी है। पर तेरी माँ तो बड़ा उस्ताद कोई नहीं। हाँ यार ये तो कह सकते हैं कि माँ के साथ अब कौन मुकाबला कर सकता है। खैर अब क्या फिर अफतारी के बाद प्लान बन रहा आपका? हाँ जी क्योंकि मैं विली थी आनी तेरी तरह। अच्छा ठीक है ना, तो सी बात है मैंने सारे घर को देखना है, मैंने अपने बच्चों को देखना है, अपनी फैमिली को देखना है, मैंने घर का काम करना है, मैंने अफतारी बनानी है, मैंने सहरी बनानी है, मैंने खाना बनाना, हम तेरी तरह थोड़ा ही है, मेरा मुंडा कभी इंज करता तो कभी इंज करता। चलो ठीक है यार गाइस, अब ना हम अफतारी के बाद मिलते हैं और आपका भाई आज मामा पार्टनर को देगा व्लॉगिंग क्लास। One hour later. अच्छा जी यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अफतारी भी कर लिया है, नमाज भी अदा कर लिया है, ठीक है, और अब मामा पार्टनर को देनी अच्छा, है हम लोगों ने व्लॉगिंग की व्लॉगिंग की क्लास। अच्छा यार एक बात बड़ी मजे की बताने वाला हूँ, अफतारी के बाद जो मजे की नींद आती है ना, ओए होए 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 यार मजा आ जाता है, और उसकी जिंदा मिसाल ये देखो आप, मामा उसको उठा रही हैं और वो भाई साहब उठ ही नहीं रहे हैं, ये देखो। ओए पानी फेंक इसके ऊपर पानी फेंक, वो देख। ओए पागल हो गया, नमाज का टाइम गुजर गया बेवकूफ। नमाज पढ़ने नहीं जाना, इससे जाने या मैंने जाना? ये ले जूती, ये ले जूती पागल यार। अफतारी के बाद जो नींद आती है ना, ओए ओए मजा आए ना यार। तू अफतारी कर चला, फिर पानी फेंक इसके ऊपर, पानी फेंक। A few inches late. सर आपने मुझे क्या बताया? बेटा आपको इतने मैनर्स नहीं है, जब वो उस्ताद आता है तो शिगिर्द सलाम करते हैं। नहीं हमारे में नहीं है। आपको किसने इतना बड़ा किया है, आपको इतनी सेंस नहीं है कि मैं आपका उस्ताद हूँ? नहीं हमारे में इतनी सेंस नहीं है। यही वजह है कि आज आपको व्लॉगिंग ही नहीं आती है, यही वजह है। अच्छा मामा जी, हाँ जी, अब सीरियस, हाँ जी, अब हमने करनी है व्लॉगिंग, ठीक है? ये है मोबाइल, अब आपका दिल कर रहा है व्लॉगिंग करने का, हाँ जी। तो आप किस तरह व्लॉग बनाएंगे? पकड़ो मैं आपका उस्ताद हूँ। अच्छा जी, अच्छा जी, हाँ जी, हाय अल्लाह मोबाइल फाड़ लवा। ऐसे ऐसे नहीं करते, हाँ। लाओ मैं बताता हूँ आपको, ऐसे ऐसे भी नहीं करते। हाँ, फिर मोबाइल पकड़ा, अच्छा। बटन ऑन किया, अच्छा। कैमरा किसने ऑन करना है यार, सबसे मेन चीज यार कैमरा कौन ओपन करेगा? ये जी किया हमने यहाँ से कैमरा ओपन, ठीक है गाइस आप लोग भी देख लें, हो गया कैमरा ओपन। अब यहाँ से जी हम करेंगे फ्लैश लाइट ऑन, ऑन फ्लैश लाइट ऑन ऑलरेडी है, ठीक है। अब जी मोबाइल पकड़ना है ऐसे, ये देखो। हेलो गाइस कैसे हो आप सब? हेलो गाइस कैसे हो आप सब? हाँ। पुटे सी ते हाथ में आने जरा, मैं तेरे को ए क्लास लानी है ना, मैं अपनी शादी नमाज पढ़ा। अच्छा। एक मेरा सपाना पढ़ाया जाएगा, तू चलो उधर हो। लो जी यार बगैर फीस के आपको समझा रहा हूँ। नहीं मुझे नहीं चाहिए तेरी ये व्लॉगिंग, मुस्तकबिल की रोटियां दे के जा रहा हूँ। तू वो तुम ले लो, ओ खुदा की बंदी तेरा रिजल्ट तुझे दे के जा रहा हूँ। अल्लाह के बंदे यार तू लेना,
अरे कैसी शिगिर्द पाई की है उस्ताद, तुझे सारी जिंदगी ऐसा नहीं मिलेगा। तुझे उस्ताद से शिगिर्द सारी जिंदगी ऐसा नहीं मिलेगा। जब भी तरक्की नहीं कर रही हो तुम। हाँ मैं इसीलिए अपनी तरक्की तुझे दे दी है। अच्छा बेटे बेटे ये मजाक वाली बात नहीं है, ठीक है। मोबाइल ऐसे पकड़ लिया। अच्छा जी। अब मैं बोल रहा हूँ, हेलो गाइस, आप सामने तरफ देखना है तो आप कैसे करोगी, ऐसे करना है, ठीक है। चलो जी गाइस, अब ये मेरी शिगिर्द प्रैक्टिस करने लगी है। चलो जी कैमरा खोलो। कैमरा खोल लिया। फोन फरो मोबाइल। ऐसे ऐसे नहीं करना। ऐसे हाँ, ये जब सामने वाली तरफ कैमरा करेंगी तो आपने कैमरे को ऐसे करना है। अब अपनी तरफ लेके आओ। ऐसे। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। अरे बाबा एक हाथ का इस्तेमाल करना है। ऐसे। अरे मेरी बहन, अरे मेरी शगिर्द, जब उस्ताद इसका तो फ्लैश लाइट ही बंद हो गई। अरे वो तो मैं बता दूंगा, जब शगिर्द उस्तादों का मजाक बनाए ना तो फिर वो कामयाब नहीं होते बच्चे। मैंने नहीं होना कामयाब। बेटा बिलफिरी की आपको ब्लॉगिंग समझा रहा हूँ। नहीं मेरे बेटे, सब्जी लेने नहीं, समझ नहीं आपकी ब्लॉगिंग। देख लेना। हाँ जी। तुम्हारे मुस्तकबिल की रोटियां तो मैं देके जा रहा हूँ बेटा। मैं कह रही हूँ मैं तुझे दे दी अपनी रोटी। यार ये शिगिर्द पारक है। एक तुम खा लो रोटी, एक वो खा लेगा। वो कह रहा है मेरा पेट बड़ा है तो तुम खा लो दो रोटियाँ। तुम दे खा लो दो रोटी। यार खुदाया बाका, मैं किसके घर आके समझाना शुरू हो गया हूँ। मैं पेट की रोटियों की बात नहीं कर रहा यार। मारा खुद ही तो बोला है मुझे। मारा की बात कर रहा। मारा कौन सी रोटियाँ बात कर रही हो? ब्लॉगिंग। मोरे ब्लॉगिंग। मोरे ब्लॉगिंग। मोरे मैंने नहीं ब्लॉगिंग करनी। बस ठीक है यार, अगर ऐसी शिगिर्द है ना ब्लॉगिंग का मजा नहीं आएगा। ये आजकल का बच्चा मेरा दिमाग खराब करने लगा हुआ है। बच्चा सीख लेगा तेरी मुस्तकबिल की रोटियां है ये। नहीं 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 बच्चे, हमारा दिमाग खराब ना कर अपना और उसका भी। अरे या खुदाया भाका, मैं किसके यहाँ आके ब्लॉगिंग सिखाना शुरू कर गया हूँ। बीबी ये पकड़ अपना मोबाइल और मुझे दे यहाँ से इजाजत। जा तेरा जा जा ठीक है। अरे बीबी अपना मोबाइल फार, ठीक है। हूँ मनु तेरी कॉल आई कि सर जी आके मनु ब्लॉगिंग सिखाओ, ते मेरे प्यो दी तौबा जे मैं तुहाडे घर आ गया। मेरे प्यो दी भी तौबा जे मैं तेनू बुला भी लीता। या खुदाया भाका, या खुदाया भाका, अल्लाह शशिगिर से बेहतर है कि मुझे उस्ताद ही ना बनाता। माफी माफी। मेरे तुम तो सिखाने के बजाय रोटियां खिलाने आए हो इसको। रोटियां खिलाना शुरू हो गया। अल्लाह की जात देता है रोटी। अल्लाह की जात देता है। अच्छा अच्छा, अब यार मजाक से हटके ब्लॉगिंग सीख लो। पता क्यों? देखो अब कल मैं नहीं था यहाँ पे तो कल ब्लॉग नहीं बना, ठीक है। कम अज कम आप छोटा मोटा मोबाइल पकड़ लोगी ना तो उससे ये होगा, तो उससे ये होगा कि एटलीस्ट आपका ना क्लिप थोड़ा बहुत तो बन जाएगा। हमसे ऐसी बातें ना कर, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। अपने बहन भाई आए होते हैं, मैं अच्छी नहीं कर सकती। नहीं ये करना आपके लिए बहुत जरूरी है। मेरे लिए जरूरी नहीं है, मैंने अपने बहन भाइयों को टाइम देना है, अपनी फैमिली को टाइम देना है। मैं अच्छी मोरा ये क्या कर गया, कर क्या रही है ये? ये देखो ये पागल हो गई है, ये पागल हो गई है यार। मैं सही कह रहा हूँ ना यार गाइस, खुद ही बताओ अब एक दिन ब्लॉग नहीं आया, ठीक है। तो यार उस दिन मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी। एक मिनट, मेरी मुझे पहले एक बात पूछिए, बता मेरी फैमिली ने तुझे कुछ कहा है? कुछ नहीं कहा, लेकिन हमारा तो राइट बनता है कि हम अपनी फैमिली को इंटरटेन करें, हम अपनी फैमिली को डेली की अपडेट्स दें। ये भी तो देखो ना, तो मैंने शॉर्ट वो वीडियो भी तो भेजी है ना अपनी फैमिली की। चलो वो बात ठीक है। खैर मेरा ख्याल है अगर आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगी ना तो ब्लॉगिंग आप सीख लोगी। आप सीरियस कैसे करना है इसको? कैमरा ना खोलो, वैसे ही मोबाइल को ऐसे करो और ऐसे करो। इस हाथ के साथ पहले अपनी तरफ आप कैमरा करो, ऐसे अपनी तरफ ऐसे कैमरा करो। हाँ सलाम करो, ये ऐसे सही है? हाँ हाँ करो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इधर करो कैमरा बच्चे। अब ऐसे करो। हाँ अब अपनी तरफ करो ऐसे। हाँ फिर मेरी तरफ करो ऐसे। शाबाश, क्लैपिंग। आज पार्टनर ने कैमरा पकड़ना सीख लिया है। 2000 years later। कि यार जो उस्ताद शागिर्द होते हैं बाकी बच्चे उस्ताद का दिमाग खा लेते हैं। मैं बची बन गई थी तो और क्या, आपने मेरा दिमाग खा लिया था। खैर मुझे उम्मीद है कि आज मैंने आपको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी है, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। जिस दिन मैं नहीं होऊंगा तो उस दिन आपने ब्लॉग शूट लाजमी करना है। अच्छा मैं एक बात बताऊं, मुझे करना होता था ऐसे
और ऐसे। तो फिर क्यों नहीं किया आपने? मैं जानबूझ के नहीं करती थी। चलो खैर कोई बात नहीं, क्योंकि अब जब मेरे बच्चे आए होते हैं, बहन भाई आए होते हैं, तो फिर आपको पता है बातों में लगी होती हूँ, काम में लगी होती हूँ, फिर मेरे से ऐसे और ऐसे। चलो ठीक है, अब आपने जाना है शाहजहां मार्केट, जाके बड़ा शरफ लेके आने हैं। हमारा कमरा थोड़ा बहुत डल हो रहा है, ठीक है? और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि व्लॉग मोबाइल पकड़ के अब आप एंड करो। गलत हो गया तो नहीं, कोई मसला नहीं। ऑडियंस को पता है कि हारिस पार्टनर ने ट्रेनिंग दी है, तो मेरी ट्रेनिंग कभी आएगा नहीं जाएगी, अभी पता चल जाएगा तुम्हारी ट्रेनिंग। ठीक है, कैमरा लेके आओ भाई, कैमरा इधर आओ, पास लेके आओ, पास लेके आओ। ये लो जी, पकड़ो मोबाइल, जैसे मैंने पकड़ा वैसे पकड़ो। हाँ चलो, एक मिनट, अब बोलो। एक मिनट, ठीक हुआ है? शाबाश शाबाश, थोड़ा आगे करो अपना हाथ, मेरी तरफ लेके आओ। हाँ अब सही हुआ है, अब सही हुआ है, अब यहाँ व्लॉग को एंड कर दो। अच्छा मेरे बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, बोलो आगे आगे और कमेंट करो, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके वो भी कर दो, साथ लगे छोटे से घंटी के बटन को दबा दो। इंशाल्लाह भैया आपको कल मिलता है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मैंने आपको प्रूफ दे दिया कि कैमरा मैंने नहीं पकड़ा हुआ था। ओके जी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। ओके जी।